My dear students, this is Dr. Mohammad Ibrar, Assistant Professor, Department of Computer Science, Salaam Lekhan Siyada College, Ranchi. आज लेक्चर में हम लोग देखेंगे सेमेस्टर वन का जो कोर पेपर टू है दैट इज़ कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर. उसमें जो हम लोगों ने अब तक देखा बुलियन एक्सप्रेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, आज हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन बुलियन एलजेब्रा. तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो डिफरेंट ऑपरेटर्स है, उसमें सबसे पहला ऑपरेटर जो होगा एंड ऑपरेटर, उसके बाद है और ऑपरेटर, फिर क्या है नॉट ऑपरेटर. आज हम लोग इसको देखते हैं और इसकी जो है ट्रुथ टेबल जानने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सबसे पहले एंड ऑपरेटर जो है इसमें हम पहले क्या देखते हैं, इसमें हम कॉम्बिनेशन देखते हैं. जैसे मान लीजिए दो वेरिएबल है, राइट, एक्स और वाई, इसकी वैल्यू हम लोग ऐसे लेते हैं 0 0 1 1 0 1 0 1. ठीक है, अच्छा अब ये क्वेश्चन है कि हम यहाँ फोर वैल्यू क्यों लेते हैं, इसलिए कि दो वेरिएबल, यहाँ कितनी वेरिएबल्स हैं, 1 एंड 1 2, तो 2 वेरिएबल है. चूँकि नंबर बाइनरी है तो 2 का पावर में 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4. ठीक है, इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन निकालते हैं कि हाउ मेनी इनपुट्स आर देयर. तो यहाँ कितने इनपुट्स हो गए, 4, 1 2 3 4. अब इसकी जो एंड होगा ये एक्स इंटू वाई होगा. ठीक है, ये इसका ट्रूथ टेबल आप देख लें. अभी जब हम लोग गेट पढ़ेंगे, लॉजिकल गेट्स पढ़ेंगे तो ये बहुत काम आएगा. तो यहाँ देखिए 0 0 का कितना होगा, 0, 0 1 का 0, 1 0 का 0, 1 1 का 1. ध्यान रहे एंड गेट में, एंड ऑपरेटर में क्या होता है, अगर एक भी अगर 0 होगा तो सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. आप यहाँ देखें, यहाँ 0 है ही और यहाँ पे 0 है ही, यहाँ भी एक 0 है, तो इसलिए आउटपुट क्या हो गया, 0 हो गया. ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों 1 है, दोनों ट्रू है, इसलिए ट्रू है. 1 को याद रखें, 1 को हमेशा ट्रू से दिखाते हैं और 0 को क्या से शो करते हैं, हम फॉल्स से शो करते हैं. तो दिस इज़ द ट्रूथ टेबल ऑफ एंड ऑपरेटर या एंड गेट. ठीक है, अब हम देखते हैं आगे और क्या होता है. इसमें भी मान लें हम दो वेरिएबल लेते हैं, एक्स एंड वाई, 0 0 1 1 0 1 0 1. ये लेने का तरीका, फर्स्ट में हम 0 0 लेंगे, देन 1 1, फिर 0 1 0 1. अगर मान लें तीन वेरिएबल होगा तो कैसे लेंगे, तो फिर यहाँ पे हम 4 बार 0 लेंगे, 4 बार 1 लेंगे, यहाँ 2 0 2 1 2 0 2 1, उसके बाद 0 1 0 1 0 1. अभी हम आपको दिखाएंगे करके. और ऑपरेटर में क्या करते हैं, यहाँ एक्स प्लस वाई हो जाता है. ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ इसका ट्रूथ टेबल दिखा सकते हैं, 0 0 0 1 का 1 1 0 का 1 1 1 का 1. ठीक है, कोई एक भी अगर और ऑपरेटर में सही होता है तो क्या होगा, वो सही हो जाएगा, दैट मीन्स वो ट्रू होगा, 1 आउटपुट आएगा, इसको हम कहते हैं और ऑपरेटर. ओके, अब देखते हैं हम नॉट का क्या होता है. नॉट दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट. इसमें एक वेरिएबल होगा नॉट में, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा या नॉट हो जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, अगर 0 है वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 1 1 है तो क्या हो जाएगा, 0. इस तरीके से हम इसको पहले बेसिक चीज़ को जानेंगे, तब जो है हम लॉजिकल गेट्स समझेंगे और सर्किट समझेंगे. ठीक है, चलिए ट्रूथ टेबल से और भी कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं. जैसे अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया जाए वाई एंड जेड का ट्रूथ टेबल निकालें, क्या निकालना है आपको, वाई एंड जेड का ट्रूथ टेबल निकालना है. तो अब आप देखें यहाँ पे वाई जेड आया लेकिन एक्स नहीं है, तो बिना एक्स का वाई नहीं निकलेगा. तो हम यहाँ इसको ऐसे दिखा सकते हैं, हमारे पास तीन वेरिएबल हो जाएगा, एक्स वाई जेड. ठीक है, एक्स वाई जेड. तो अब आपका आपके पास तीन वेरिएबल है और बाइनरी नंबर है, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे. ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, 0 0 0 0 1 1 1 1, यहाँ लिखेंगे 0 0 1 1 0 0 1 1, यहाँ लिखेंगे 0 1 0 1 0 1 0 1. ठीक है, आपको निकालना है y इंटू जेड का, निकालना ट्रूथ टेबल. ओके, बहुत इजी है, आप निकाल सकते हैं एंड गेट के थ्रू निकालें y इंटू जेड, जेड जेड का 0 0 1 का 0 1 0 का 0 1 1 का 1 0 का 0 1 0 का 0 1 0 का 0 1 1 का 1. दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ y इंटू जेड. आंसर मैच कर लेते हैं, सही, हमारा आंसर बिल्कुल सही है. इस तरीके से आप ट्रूथ टेबल निकाल सकते हैं और फिर जब आपको एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आएगा कि लॉजिकल एक्सप्रेशन को प्रूफ करें, उसको हम कैसे करेंगे. ठीक है, ये लॉजिकल एक्सप्रेशन है, इसको हमें प्रूफ करके दिखाना है ट्रूथ टेबल के द्वारा कि हम इसको ट्रूथ टेबल से कैसे प्रूफ करें. एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स है. अब देखिए इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, इसमें 2 वेरिएबल है, एक्स एंड वाई. ठीक है, तो हमारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 2 4 4 हो जाएगा. ठीक है ना, तो एक्स वाई हमने लिखा यहाँ पे 0 0 1 1 0 1 0 1. ओके, अब हम यहाँ पे देखें कॉलम कितना बनेगा, राइट, एक्स वाई तो बन ही गया हमारा, उसके बाद क्या बनेगा हमारा,
एक्स वाई बनेगा यहाँ पे एक्स वाई, एक और कॉलम क्या बनेगा एक्स प्लस एक्स वाई। ध्यान से देखें, बहुत ईजी है। तो इस तरीके से कॉलम है। अब एक्स वाई के बीच में क्या है, एन टू है, कुछ नहीं है, तो क्या है एन टू, दैट मीन्स एंड गेट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, यहाँ पे वन, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एक्स प्लस एक्स वाई, यानी एक्स वाई का वैल्यू और एक्स का वैल्यू कितना इसमें और करना है, तो ज़ीरो, फिर यहाँ पे ज़ीरो, फिर वन ज़ीरो वन 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 वन। अब आप देखें ये वाला वैल्यू एक्स प्लस एक्स वाई और ये वाला वैल्यू इक्वल है, तो हम कह सकते हैं x प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स। इस तरीके से ये ट्रूथ टेबल से आप प्रूफ कर सकते हैं, एग्जाम में भी पूछा जाएगा, इसको प्रूफ करना है। तो इस तरीके से हम लोग इसको पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकाल के हम ट्रूथ टेबल में इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट ऑपरेटर्स जानने के बाद, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर जानने के बाद, और ट्रूथ टेबल निकालने के बाद, आपने क्या सीखा आज कि कैसे हम लॉजिकल एक्सप्रेशन को प्रूफ करेंगे ट्रूथ टेबल से। तो एक हम मैंने करके दिखाया, आपके पास अगर बुक है तो आप और भी क्वेश्चन अपने से निकालें और उसको प्रूफ करने की कोशिश करें, ठीक है। अब ये बेसिक चीज़ जानने के बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कहाँ बढ़ेंगे, लॉजिक जो गेट्स होंगे, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट है, उसको देखेंगे, और फिर धीरे धीरे हम कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।